अपनी पांच बेस्ट क्वालिटीज बताओ। पांच बेस्ट क्वालिटीज ऐसे तो है नहीं, बट मतलब आपके अंदर क्वालिटीज ही नहीं है। Hey guys, welcome back to my channel. तो आप लोग कैसे हो? I hope आप ठीक होंगे। तो आज मैं आपको किसी से मिलाने वाली हूँ। जैसे आप मेरा चैनल देखते हो वैसे ही एक और यूट्यूबर है जिनका चैनल है, नाम है पहाड़ों का राजा, तो प्लीज उनको भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो उनसे मिलाते हैं। तो आज हमारे बीच में एक यूट्यूबर है पहाड़ों के राजा से, क्या बोलूँ मैं, She's getting nervous actually, and इस छोटे से इंट्रो को बनाने के लिए हम लोगों ने मिनिमम शायद एक घंटा लिया है। एक घंटे से प्रैक्टिस करिए तब उसने इतना बोला है। तो कैसा लग रहा है आपको पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। Okay. I'm feeling very nervous. तो मैं आपसे कुछ questions पूछूंगी। Okay. आपके चैनल के बारे में। Okay. तो आपने चैनल कब और कैसे शुरू किया? Okay. So बींग ए यूट्यूबर मैंने अपना जो चैनल है जिसको आप अभी तो पहले मेरा चैनल दूसरा होता था उसका नाम था शुभम भारद्वाज और उसमें जो है 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे और वो चैनल टर्मिनेट हो गया था ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज उसमें आ गए थे। okay. तो मुझे पता नहीं लगा तो वो टर्मिनेट हो गया था एंड आफ्टर दैट फिर मुझे लगा कि यार देखो चैनल टर्मिनेट हो गया है बट हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि तो चैनल गया है, हम तो नहीं गए ना, हम तो रियल लाइफ। सो फिर हमने क्या किया कि मैंने फिर नया चैनल स्टार्ट किया जो कि एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसको आप जानते हो पहाड़ों का राजा। आप मुझे बोलते हो वैसे मेरा नाम शुभम भारद्वाज है एंड ये जो है मेरी भांजी लगती है और अभी है ना। तो ये बहुत टाइम से बोल रही थी कि यार हाँ मैं मामू के साथ ब्लॉग बनाऊंगी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे भी, तो आज मैं कहा चलो इसको सरप्राइज देते हैं तो आज मैं इसके पास आ गया हूँ। तो हाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे यूट्यूब के रिगार्डिंग बीइंग अ यूट्यूबर, तो क्या क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं चलो बताओ। तो आपका चैनल स्टार्ट करने का मोटिवेशन क्या था? ओके चैनल स्टार्ट करने का मोटिवेशन क्या था? सी अब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, राइट? तो 2017 में बहुत से कम यूट्यूबर्स थे जो शिमला में काम करते थे और प्रैंक्स वगैरह बहुत कम होते थे। तो उस टाइम मुझे लगता था कि मतलब मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकता हूँ, तो मैंने पब्लिक रिएक्शन वीडियोस बनाना शुरू करी थी। तो फिर मैंने वीडियोस बनाई एंड काफ़ी सारे लोग देखते थे तो अच्छा लगता था। फिर वो जो लोगों का सपोर्ट था वो मोटिवेशन में कन्वर्ट हो गया, फिर वो आगे चीज़ चलती रही। ओके तो एक और क्वेश्चन है, आप कितने सारे कितने सेलिब्रिटीज के साथ का इंट्रो ले चुके हो? इंट्रोडक्शन मैंने यार देखो सेलिब्रिटीज हमारे लिए तो मतलब पर्सनली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल में मतलब जो लोग भी म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिर किसी भी एंटरटेनमेंट किसी भी फील्ड में काम करें तो वो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज हमारे लिए। तो मैंने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू अगर आप मेरे पुराने चैनल से अभी को मैं मतलब कंपेयर करूँगा कितने लोगों से कर लिया है तो सबसे पहले मैंने लिया था राजीव शर्मा जी का जिनका आपने सॉन्ग सुना होगा रूम थी है नॉन स्टॉप मेरे जीजू लगते हैं तो हम अपने अंदर हमारी रिश्तेदारी चल रही है। तो क्या हुआ कि उनका लिया तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू जो लिया था वो एसी भारद्वाज का लिया था मॉडर्न फोक नोट को सभी ने सुना उनका एंड उसके बाद एक इंटरव्यू था जो कभी भी मतलब टेलीकास्ट नहीं हो पाया वो था पंकज ठाकुर जी का जिनको आप सभी जानते हैं और ही इज वंडरफुल पर्सन तो उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया था वो नहीं हो पाया। और अगर पंकज भाई देख रहे होंगे वैसे तो शायद नहीं देख रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे तो उनको सॉरी और नेक्स्ट टाइम कोई मौका मिलेगा तो मैं जरूर उनका इंटरव्यू लूँगा। ओके हाँ जी तो अगला क्वेश्चन है, आप शायद फील करते थे जब जैसे जब जब आपने शुरू किया चैनल अपना आपने जब चैनल शुरू किया आपको कैसा फील होता था? मेरे को बहुत नर्वसनेस फील होती थी सबके सामने, इतने सारे लोग, बहुत ही नर्वसनेस फील होती थी। तो मैं भी ह्यूमन हूँ ना तो मुझे भी तो होगी। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, सबको नॉर्मल होता है। और आप अभी यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो गाइज जो भी इसको देखते हैं जितने भी मेरे मतलब मेरे फॉलोअर जो भी इसे देखेंगे तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड मतलब नर्वस हो रही है तब से लेके मतलब ये छोटी सी बाइट लेने के लिए भी हमें मतलब आधा पौना घंटा से रिहर्सल करवाया मैंने उसको तो अब नर्वसनेस फील हो रही है? नहीं अब नॉर्मल हो गया ना सब कुछ, अब तो नॉर्मल है। ओके तो अगला क्वेश्चन है अब इसमें कट नहीं लगेगा ये जलता रहेगा। ओके मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ठीक है? ओके तो हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर, आप किसको सबसे ज्यादा देखते हो? वही क्वेश्चन आपको भी है, हु इज योर फेवरेट? पहले तो मैंने पूछा था।
नहीं आप बताओ। मेरे तो सभी फेवरेट है, मैं सभी क्रिएटर्स के लिए स्टार्ट करता हूँ, मैं सभी को देखता हूँ जो मतलब मुझे पर्सनली एंटरटेनमेंट फील्ड से। जितने भी ब्लॉगर्स की बात करूँ तो मैं हिमाचल वाला को देखता हूँ हिमाचल से, एंड बाहर मैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स को देखता हूँ, एंड मैं मोहित चिकारा की चिकारा उन लोगों का नाम है वो अश्विन वीडियोज बनाते हैं उनको देखता हूँ, और ज़्यादा तो नहीं देखता बाहर, मैं खुद को देखता हूँ क्योंकि अगर हम खुद को टाइम देंगे तो हमारे अंदर भी एक ब्लॉगर है, हमारे अंदर भी एक आर्टिस्ट है तो उसको देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट। मेरा तो ज्योतिका दलैक और संभावना से माइनस आनंद IUNP शो परीज लाइफस्टाइल बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं। ओके अच्छा अपनी पांच बेस्ट क्वालिटीज बताओ। पांच बेस्ट क्वालिटीज ऐसे तो है नहीं, बट आपके अंदर क्वालिटीज ही नहीं है, है तो कुछ तो होगी बताओ ना। उनके अंदर जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। हाँ जी तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है? हाँ मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा तो गिटार बजाता हूँ, ये तो पता ही है कि इसने बोलना तो था कि गिटार बजा रहा। हाँ तो फिर मेरे पास गिटार भी है, क्या आप बजा सकते हो? हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी तो क्या ही बोलो। ओके ठीक है मैं गिटार ले गया। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया तू है जो आपको आता है, मैं आपने कौन सा मुझे बोला था कि कुछ बजाओ?
वेरी गुड। आपने सीखा है गिटार गेम में जाना? हाँ जी। कहाँ पे सीखा? वो तो आपको मेरे एक लास्ट वीडियो था ना मेरा गिटार वाला, उससे पता लग गया। मैंने पूरी गिटार की स्टोरी सुनाई थी। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मतलब वो लोग जो देख रहे हो आपकी पुरानी वीडियो देखे? हाँ जी, वो वाली मैंने उसमें पूरा बताया है कि मैं कहाँ सीखती थी, मैंने कब शुरू किया गिटार बजाना, और मैंने बताया भी है गिटार के बारे में। हाँ जी, नहीं कुछ तो नहीं बताया कि व्लॉगर वाली पूरी क्वालिटी है, क्योंकि ये पिछली वीडियो भी प्रमोट करे, क्योंकि उसे पता है कि शायद उसमें व्यूज कम होंगे, तो उसने पूरी कोशिश की कि मेरी पुरानी वीडियोज भी इस बहाने चल जाएगी। ठीक है, तो उसने बताया नहीं गिटार किससे सीखा है, तो अब ये मेरे को भी नहीं पता। तो गाइस जाओ ये पुरानी वाली वीडियो देखो इसकी, एंड आपको भी देखनी पड़ेगी। हाँ, मैं भी देख लूंगा ना, मेरे को तभी पता लगेगा। तो फिर एट लास्ट आप क्या बोलना चाहते हो अपने सब्सक्राइबर्स को या मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो लोग आएंगे अभी देखने? तो एट लास्ट मैं बोलना चाहूंगी कि जो इनके सब्सक्राइबर है प्लीज मेरे को भी सब्सक्राइब कर दो, और मेरा सब्सक्राइब मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, ठीक है, हम शेयर कर लेंगे ना। ठीक है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग, हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना। हाँ, वैसे भी शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ बिल्कुल। और प्लीज लाइक कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ। और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे भी कर देना। तो चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।